आज होली का दहन की रात, आज की रात अच्छाई की जीत बुराई पर हुई, आज ये भी देख लेते कि जीत किसकी होती है। लकड़ी इकट्ठा कर, आज हम इस डायन का दहन करें। देखो अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण के पास ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे मेरे कृष्ण के पास लेकर चलो। तुम बहरूपी को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो ऐसा दोबारा करने की कभी ना सोचे। तुम्हारे साथ वही होगा जो प्रीति कृष के साथ करने वाली थी। तुम भी उसी आग में जलोगे जिसमें मेरे पति जल रहे थे। तुम्हारे साथ वही होगा और प्रीति खुद ऐसा करेगी। सोचने और करने में बहुत फर्क है राधिका। देखना, जिस दिन प्रीति लौटेगी मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर तू और तेरा वो परिवार सब मारे जाएंगे। तुम तो वो तब करोगे जब मैं तुम्हें उस काबिल छोड़ूंगी। उसका पूरा बंदोबस्त कर दिया है ताकि जब वो प्रीति के सामने आए तो वो कुछ नहीं कह पाएगा। मेरी माँ अक्सर माता सती की कहानी सुनाया करती थी कि कैसे वो जिद पर अड़ गई और यमराज से अपने पति की प्राण वापस ले आई। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाए। Come on guys, मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है। अगर फिल्म की सैड एंडिंग हो तो तुम रोती हो, फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो तो तुम रोती हो। नीलम, राधिका एंड क्रिश एक साथ हैं। Come on guys, let's party. नहीं, हम लोग इतने इत्मीनान से नहीं रह सकते। हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा। लेकिन अब किस बात का डर? डायनी को तो तुमने खत्म कर दिया है और प्रीति पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। वो क्या है ना नीलम, जब तक दुश्मन खत्म ना हो जाए तब तक उसका खतरा नहीं टलता। हमें अभी भी ये ड्रामा कंटिन्यू करना होगा। जब भी कृष प्रीति के सामने आएगा तो वो करण की तरह एक्ट करेगा ताकि उनका असली मकसद हमें पता चले। खेल में जीत उसी की होती है जो पहले से अपनी अगली चाल के लिए तैयार रहे। एनीवे, अब तुम दोनों जाओ यहाँ, लेकिन हाँ, बी अलर्ट एंड टेक केयर। मैं आज बहुत खुश हूं राधिका, बहुत खुश। लेकिन मेरे मन में ऐसे कई सवाल हैं जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। वो डायनी कौन है राधिका? और वो प्रीति कहां गई? पहले मुझे प्रीति ने कहा कि तुम मर चुकी हो, फिर कहा कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये सब हो क्या रहा है राधिका? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। प्लीज राधिका, तुम्हें मेरी कसम है, टेल मी
गुजरा हुआ वक्त कई बार ऐसे जख्म दे देता है जिनके निशान कभी नहीं मिटते। कुछ ऐसा ही जख्म मेरे सीने पर लगा है। कृष, आप मेरे पति हैं, आपको मेरे बारे में सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। अब मैं आपको बताती हूं कि बात क्या है। राधिका, तुलसी ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनके साथ जो भी हादसा हुआ उसकी वजह से ये अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भूल गई है। तो ये है राधिका, आज रात को तुम राधिका को डिनर पर ले जाओगे, वहां उसे मारने की कोशिश करोगे। राधिका, तुम सच में बहुत बहादुर हो। तुमने अकेले उन सबका सामना किया। एक आम औरत के लिए डायन से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन तुमने दो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। क्या हुआ राधिका? प्लीज अब मत रो। राधिका, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब तुम्हारी आंखें सिर्फ आने वाले कल के ख्वाब बुनेगी और कुछ नहीं। अब हमारी कहानी जरूर पूरी होगी।
राधिका तुम इस तरह भागी क्यों चली आई? हमारी कहानी के नसीब में पूरा होना नहीं लिखा है, वो कहानी अधूरी थी और अधूरी ही रहेगी। मैं अभी तक आपको एक बात नहीं बता पाई, शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही हूं कि वो सच में आपको बता सकूं। आपकी राधिका का सच मेरी राधिका का सच? ऐसी कौन सी बात है राधिका जो मुझे नहीं पता? मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बॉडी पर अभी भी वो जख्म है? क्या आपको दर्द महसूस होता है? नहीं, ना ही कोई जख्म है और ना ही कोई दर्द। लेकिन तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने वो सारे जख्म ठीक कर दिए, वो भी अपनी शक्तियों से। आपने सही कहा था क्रिश, उस डायन से लड़ना किसी आम औरत के लिए मुमकिन नहीं है। मैं लड़ पाई क्योंकि मैं एक आम औरत हूं ही नहीं, मेरे अंदर शक्तियां हैं। उस इच्छाधारी नागिन तुलसी ने सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी नहीं दी है, उसने जाते जाते अपनी सांसों के साथ मुझे शक्तियां भी दी है। क्रिश, अब मैं आपकी राधिका नहीं रही। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। जंगल में खेलती है जब तक शेरनी सो रही हो, क्योंकि जब एक बार शेरनी नींद से जाग जाए तो शिकार किए बिना नहीं रहती। पर मुझे तेरा शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता राधिका, तैयार हो जा मेरा स्वागत करने के लिए। यही है मेरा सच, जो दिखने में बदनुमा और डरावना है, बुरा ख्वाब जो नींद के टूटते ही टूट जाता है। अब यही बुरा ख्वाब मेरी जिंदगी की सच्चाई बन चुका है जो कभी नहीं टूट सकता। क्रिश, जब मैं अपने आप को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो आप मुझे कैसे स्वीकार कर पाएंगे? आप समझते क्यों नहीं है, एक प्रेम कहानी में एक राजा होता है और एक रानी होती है, कोई नागिन नहीं। और एक जहर भरी नागिन किसी को प्यार कैसे दे पाएगी? दुनिया का कोई भी जहर मेरा प्यार खत्म नहीं कर सकता। तुम आज भी मेरे लिए मेरी राधिका हो। ऋषभ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा जहर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे खुद नहीं पता कि कब मैं आपके लिए घातक बन जाऊं। मैं बस इतना जानती हूं कि प्रीति का इस घर में आने का जरूर कोई मकसद है, जिसकी कड़ी आपसे जुड़ी हुई है। मैं बस उस कड़ी को तोड़कर आपको आजाद करना चाहती हूं, बस। लेकिन राधिका। बस क्रिश,
मैं उस इच्छाधारी नागिन को छोड़ूंगी नहीं। खून का बदला खून ही लेता है और मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगी दीदी। मम्मी जी, ये हमारे घर में उल्टी गंगा कहां से बहने लग गई? पूजा पाठ कर रहा है वो भी राक्षस। मम्मी जी, अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए ना। तुम दोनों ऐसे पागलों की तरह मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? पागलों वाली हरकतें करो तुम और हम पागल। चल क्या रहा है? डाइनी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें इस घर से दफा कर देगी। हाँ, आप जानते हैं पुपा जी, भेड़ की खाल में भेड़िया हमेशा डरा हुआ रहता है। पता है क्यों? ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। और मुझे लगता है कि इसीलिए तुम दोनों इतना डरे हुए। Am I right? मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो डाइनी ने मुझसे कहा था। क्या तुम दोनों ये चाहते हो कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए? तो इसलिए मुझे परफेक्ट हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। नहीं 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 मम्मी जी, मेरे को तो लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वैसे तो कहावत है कि दाल में कुछ काला है, इस भाई की हरकतें देख के तुम्हारे को लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
फूफा जी, प्रॉब्लम दाल की नहीं है और ना ही आपकी इन आंखों की है। वो क्या है ना कि जब इंसान के दिल पर काली पुती हुई हो तो उसे सब कुछ काला ही नजर आता है। अब एक बात तुम दोनों मेरी ध्यान से सुनो, अगर मुझे मेरा काम समझाने की कोशिश भी करी तो ये सारी प्रॉपर्टी देख रहे हो, इसका हिस्सा तो दूर की बात, इस घर के आस पास भी नहीं भटकने दूंगा तुम दोनों को। ऐसे ये पागल ना जगह देखते हैं ना इंसान देखते हैं, वो शुरू हो जाते हैं शुरू। फूफा जी, बुआ जी, दीजिए। मुझे आरती नहीं दोगी राधिका?